हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको लेके आया हूँ कॉमेडी मूवी भूल भुलैया। आपने देखी होगी, 2007 में वो मूवी आई थी अक्षय कुमार की। उसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है और हॉरर भी मूवी है वो। और उसी मूवी की शूटिंग लोकेशन पे लेके आया हूँ। और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द रियल टीवी इंडिया। और मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ मेरा जी दोस्त मनीष भाई से, जिनको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। और ये है मनीष भाई, आप देख नमस्कार सकते हो। दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। विकास भाई के चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना आप लोग, क्योंकि ये भी काफी अच्छी अच्छी मूवी शूटिंग लोकेशन लाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी। और भाई जयपुर से रहने वाले हैं, भाई के चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि भाई हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। हमें भाई ने बहुत घुमाया जयपुर में, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भाई की वीडियो को पूरा देखें और चैनल को फुल सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। शुरू दोस्तों, एक सीन यहाँ पे नाइट में लिया गया है जब सभी लोग हवन करते हैं। विनोद जी और परेश रावल, असरानी वगैरह सब यहाँ बैठे रहते हैं, तो इसी जगह हवन का सीन होता है। आप बैकग्राउंड में मंदिर मैच कर सकते हो, इसी मंदिर का सीन है दोस्तों वो। और इस मंदिर के काफ़ी सारे सीन शूट हुए गए हैं, आप देख सकते हो। इसकी शॉट मैं लगा दूंगा, तो इसी जगह का सीन है दोस्तों। और ये आप मंदिर देख सकते हो, पहले पूरा येलो कलर का था, अब इसमें थोड़ा ये केसरिया रंग मिला दिया गया है। तो पहले 2007 में ये मूवी आई थी जब ये येलो कलर में था। और आप देख सकते हो इसी जगह हवन करते हैं और पीछे से महिलाएं आती हैं, तो वो सीन इसी जगह का है दोस्तों। प्रॉपरली आप मैच कर सकते हो स्क्रीन शॉट में। और इस जगह के काफ़ी सीन लिए गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस मंदिर को थोड़ा अच्छी तरह दिखा देता हूँ आपको। जैसे जैसे सीन मैं मिला रहा हूँ, स्क्रीन शॉट आपको देखती जाएंगे। एक सीन इस जगह का लिया गया है जब वो पूजा करते हैं, एक सीन इस प्रकार से भी लिया गया है जब बटोक यानी परेश रावल सुरक्षा कवच के लिए आते हैं राजपाल यादव जी के पास, तो उधर बैठे रहते हैं। चलिए उस सीन के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, एक सीन इस जगह के लिए गया। और मनीष भाई पानी पीने के लिए जा रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है, गर्मी का टाइम है, गर्मी पड़ रही है जयपुर में इस टाइम, और रात में पड़ती है सर्दी। तो एक सीन यहीं का लिया गया है दोस्तों, जब असरानी यहाँ पे अपनी साइकिल लेके खड़े रहते हैं और इधर से आते हैं परेश रावल जी और उनसे बोलते हैं कि वो चुप रहते हैं क्योंकि उसे सुरक्षा कवच ले रखा होता है राजपाल यादव जी से। तो वो बोलते नहीं है, फिर बोलते क्या हूँ, क्या कर रहा है। तो वो बोलते फिर यहाँ पर इसी जगह मिट्टी पटक के यहाँ पर लिखते हैं पेट गड़बड़ घर चल। तो वो सीन यहीं का ही है दोस्तों, आप मंदिर की सीढ़ियाँ मिला सकते हैं, इसी जगह का सीन है वो इसकी शॉट में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और भूल भुलैया कि आपको मैं बहुत सारी शूटिंग लोकेशन बताऊंगा आज, चलिए दूसरी लोकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ से आता है जब परेश रावल भूतनी से बचने के लिए सुरक्षा कवच के लिए आते हैं राजपाल यादव जी के पास। यहाँ पर एक पंडित जी बैठे रहते हैं, वो कहते हैं अभी पूजा में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो वो इसी जगह बैठे रहते हैं, इसी जगह परेश रावल जी खड़े रहते हैं और फिर इस जगह से आते हैं राजपाल यादव। आप देख सकते हो ये सीढ़ी, इसी जगह से आते हैं राजपाल यादव जी, देख सकते हो। पहले यहाँ पे कलर थोड़ा अलग था, इस जगह से आते हैं और फिर यहाँ पे उनको धागा देते हैं, आप देख सकते हो। इसी जगह का सीन है वो, इसी जगह धागा देते हैं, फिर उनसे बोलते हैं आखिरी बार कुछ बोलना है। तो वो कॉमेडी सीन सब इसी जगह शूट हुआ था, आप देख सकते हो। हाँ जी, तो मूवी में जब असरानी साइकिल से खड़े रहते हैं और यहाँ पे बाबा जी लोग हरे राम गाना जो गाते रहते हैं, भजन उसको सुनते रहते हैं, जब इधर से एक बाबा जी आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ताल पे बेताल नाच रहा है, कुएं में बाल्टी गिर गई, नंदिनी बुला रही है, जा जल्दी जा। तो वो सीन यहीं से लिया गया है, इसी छतरी का सीन है दोस्तों वो, आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन शॉट में, इसी छतरी का सीन है। और यहीं पे बाबा लोग बैठे रहते हैं और यहीं पे असरानी साइकिल लेके खड़े रहते हैं, आप देख सकते हो इसी प्रकार से सीन लिया गया है वो। और धूप के कारण थोड़ा सही नहीं आ पा रहा फोटो वीडियो में, तो यही है दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों जब एक सीन इस छतरी का तब आता है जब राजपाल यादव हवन के लिए हवन करते हैं यहाँ पे, जब भूत को बंदी बनाने के लिए, तो यहाँ पे कोई लोटा जैसा बनाते हैं हवेली में ले जाने के लिए, तो वो जो वो बनाते हैं और धागा वगैरह बनाते हैं वो इसी जगह हवन करके बनाते हैं, आप देख सकते हो यही जगह है वो। और आप पीछे ये गुंबद मिला सकते हो,
और वो रात का सीन था, सॉरी, तो आप मैच कर सकते हो, यही सीन है। आप ये छतरी मिला सकते हो और इसी छतरी के अंदर बैठ के राजपाल यादव हवन करते हैं, आप देख सकते हो। और रात का सीन था और यहाँ का ये नज़ारा है। और ये सागर लेक आप देख सकते हो, सूख चुका है, अब थोड़ा सा पानी बचा है इसमें, बस पहले यहाँ तक आ जाता करता था। तो चलिए फिर चलते हैं सेकंड शूट की तरफ। हाँ जी, तो मूवी में एक सीन इस जगह से लिया गया है जब परेश रावल यहाँ पे बैठे रहते हैं अपनी चाबी को ढूंढने के लिए कि यार चाबी को किसके साथ लेके जाऊँ। जब असरानी जी आते हैं इस तरफ से और जब उनको टोकते हैं कि आप यहाँ बैठे हो, तो वो बोलते हैं यार मुझे काम था, तो बोलते चलो मैं निकाल के लाता हूँ चलो। तो उसको पता नहीं था किसके लिए बोलते हैं, तो वो इसी जगह से साइकिल लेके जाते हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पहले रेलिंग टाइप में था और अब पक्की दीवार है, और आपको दिखा देता हूँ रेलिंग दबा दी गई है, आप देख सकते हो। ये इसी दीवार का सीन है और पहले इसी प्रकार की रेलिंग थी यहाँ पे बीच में, आप देख सकते हो। तो रेलिंग थी पहले यहाँ पे और अब वो दबा दी गई है रेलिंग। तो आप ये मैच कर सकते हो, बिल्ली का पोल, इसी जगह बैठे रहते हैं परेश रावल जी और इधर से जाते हैं असरानी, और पीछे आप ये दीवार मैच कर सकते हो। और यहीं का सीन है, धूप के कारण थोड़ा सीन सही नहीं आ रहा है, तो यहीं का सीन है दोस्तों, देख सकते हो आप। चलिए फिर आपको मैं अगला सीन दिखाता हूँ। दोस्तों, मूवी में एक सीन ऐसे लिया गया है भूल भुलैया में, जब असरानी को परेश रावल को लेके जाते हैं कि चलो मैं निकालता हूँ तुम्हारे चाबी, तो वो बोलते हैं कि चलो मैं निकालता हूँ। तो वो पूछते हैं कि चाबी निकालनी है कुआं या फिर महल, तो वो सीन जो कॉमेडी का वो इसी जगह होता है, आप देख सकते हो। ये आप ये मिला सकते हो गुम्मत, और एक गुम्मत सामने है, आप ये मिला सकते हो। और नाइट का सीन था दोस्तों, तो नाइट का सीन था, और अभी सामने सूरज से धूप आ रही है इसलिए थोड़ी सही नहीं आ रही वीडियो, आप देख सकते हो इसी जगह का सीन है वो। और ये आप ये खम्भा मिला सकते हो टेढ़ा, आज भी ये टेढ़ा ही है, पहले जब मूवी बनी थी तब भी ये टेढ़ा ही था, आप इसकी शॉट में पूरा पूरा मैच कर सकते हो। और ये पहाड़ी है, और ये जगह है सागर लेक आमेर फोर्ट के पीछे जयपुर राजस्थान में, यहाँ पे पुल भुलैया मूवी की शूटिंग हुई थी। हाँ जी, जो दोस्तों राजपाल यादव जब अगरबत्ती लगा के और सिंदूर वगैरह लगा के जब बैठे रहते हैं तो इसी पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं, और कैमरे में सीन इसी प्रकार से आता है। आप ये बिजली का पोल मिला सकते हो, और ये पीछे ये मिला सकते हो आप, यहीं का सीन है वो दोस्तों। और यहीं पे फिर असरानी जी जाते हैं इस तरफ से और फिर बोलते हैं बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो इस गधे पे बैठकर, फिर असरानी बोलते हैं राधा को बाधा हुई है, तो राधा, तो वो फिर बोलते हैं आपको ऐसा लोग कहते हैं कि आजकल मैं कुछ बदल गया हूँ, तो वो सीन इसी जगह का ही है, आप देख सकते हो। और पीछे वो दिखती है, इसी प्रकार का सीन है, आप इसकी शॉट में मिला सकते हो, इसी जगह का सीन है। और यहीं से जाते हैं असरानी, बोलते हैं राधा को बाधा हुई है, तो यहीं का सीन है आप देख सकते हो। और थोड़ी धूप ज़्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हो इसी जगह बैठे रहते हैं राजपाल यादव जी, इसी पोल का सीन है आप देख सकते हो। और ये पेड़ मिला सकते हो इसमें बलारे, जो इसी जगह बैठे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर दूसरी सीन की तरफ। हाँ जी, तो मूवी में एक सीन इधर से लिया गया है जब राजपाल यादव जी पागल हो जाते हैं भूतनी के चक्कर में, तो जब वो इधर से गाड़ी आती है तो कैमरा एंगल इसी प्रकार से किया गया, आप देख सकते हो। इस छतरी का सीन है, आता है यूँ इस प्रकार से, इधर से गाड़ी आती है और राजपाल यादव जी इधर से भागते हैं गाड़ी रोकने के लिए, तो सीन इधर का ही है। और फिर कैमरा एंगल इस प्रकार से हो जाता है, आप देख सकते हो। और ये पन्ना मीना कुंड है जयपुर राजस्थान में, आप देख सकते हो ये वही जगह, इधर से गाड़ी आती है और फिर यहाँ पर गाड़ी रोक के बोलते हैं, ये सीन आता है ऐसा, इस जगह गाड़ी रोकते हैं, फिर बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, बोले यादव गाजी के पास जा रहे हैं लंदन से लौटे कि नहीं पूछने के लिए। फिर परेश रावल बोलते हैं बैठो, वो बोलते हैं बैठो अंदर बैठो,
परेश रावल से, तो वो यही सीन है दोस्तों, आप देख सकते हो। उतर गया दोस्तों, एक सीन इस जगह से लिया गया है, ये है मीरा मंदिर, ये भी आमेर के पास है। तो एक सीन इस प्रकार से लिया गया है इस मूवी में, जब विद्या बालन और अक्षय कुमार पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो सीन इसी जगह का है दोस्तों। और चलिए मैं आपको थोड़ा इधर से दिखा देता हूँ, ये ऐसा है और यहाँ पे काला गोरा और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, उस गाने की भी थोड़ी शूटिंग हुई है, धड़क की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो एक सीन ऐसे आता है इस हाथी का, पर वो अंदर से आता है, अलाउ नहीं है ज़्यादा वीडियो बनाना, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादा। और एक सीन इस मंदिर का ऐसे आता है, आप मैच कर सकते हो, एक सीन इस प्रकार से आता है। और जब पूजा करने के लिए जाते हैं विद्यावाला अक्षय कुमार, तो एक सीन इस प्रकार से भी आता है, आपको दिखाता हूँ मैं, जब वो घुंघरू के लिए ऊपर झड़क झगड़ते हैं विद्यावालन और अक्षय कुमार, तो वो सीन यहीं का ही है दोस्तों, आप पीछे बैकग्राउंड मिला सकते हो। और यहाँ पे सिद्धार्थ और राधा पूजा करके प्रसाद लेते हैं, वो जगह यही है दोस्तों, और ये देख सकते हो आप। हाँ जी, तो मूवी में एक सीन इस प्रकार से लिया गया है, जब बाबा लोग जाते हैं नाम में बैठ के, तो इसी जगह से जाते हैं, यहाँ पहले पानी भरा हुआ था, अभी क्या है सूख गया है पानी, बरसातों में फिर से पानी भर जाता है यहाँ पे, फिर कैमरा एंगल इस तरह से होता है, आप देख सकते हो। और पहले ये क्या है कलर किया हुआ था यहाँ पे, अब कलर है नहीं, आपको येलो दिख रहा होगा, हट गया आप तो कलर, ऊपर हल्का लगा येलो दिख रहा होगा, तो यही प्रॉपरली यही जगह है दोस्तों वो। और इसी जगह पंडित जी बैठे रहते हैं, और उधर और चुगली करती रहती हैं उस जगह भूतनी की, तो यही सीन है दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसी जगह पंडित जी बैठे रहते हैं, यही सीन है दोस्तों। फिर मनोज जोशी बोलते हैं कि मैं मेरी बेटी को उस बंद कमरे से आज बाहर निकालूंगा, हमने इतने दान पुण्य करे हैं, तो आज मैं उसको निकाल के रहूंगा कमरे से बाहर, तो यही सीन है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसी जगह नाव चलती रहती है, बाबा लोग इसमें बैठे रहते हैं नाव में, तो इसी जगह नाव चलती है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक जगह ये भी है, बहुत पुरानी जगह है, पता नहीं क्या है ये, बरगद का पेड़ है, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। तो यही सीन है, और इस गुम्बद का भी सीन आता है हल्का सा, आप स्क्रीन शॉट में मैच कर लेना, ये देख सकते हैं आप। और जब वो जाते हैं पूजा करके, तो उस रास्ते के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ उस रास्ते पर, तो चलिए चलते हैं उस रास्ते की तरफ। और वीडियो को शेयर करना यार, और भाई को सपोर्ट करना प्लीज। हाँ जी दोस्तों, ये रास्ता यही है, इधर से जाते हैं असरानी बन और सब लोग पूजा करके इसी जगह जाते हैं, तभी ये बरगद के पेड़ का सीन आता है, आप देख सकते हो इस बरगद का सीन आता है। और सीन थोड़ा अलग था, पर जाते इसी रास्ते से हैं वो, तो आपको मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ सीन। हाँ, तो सीन में ये पेड़ आता है, आप देख सकते हो पूरा, इस पेड़ की टहनियाँ दिखती हैं सीन में इसी प्रकार से, आप देख सकते हो। और ये बरगद का पेड़ का सीन आता है, और इसी जगह से सभी लोग आते हैं, देख सकते हो आप, ये पेड़ आज भी सूखा है ये पेड़, और इसी प्रकार है, आप देख सकते हो पूरा। और चढ़ते चढ़ते यार परेशान हो गया, बहुत अब भी चढ़ाई है। और यहाँ पेड़ मैच कर सकते हो, इसी पेड़ से आते हैं इस बगल से सब लोग, परेश रावल। हाँ जी दोस्तों, इसी जगह से आते हैं मनोज जोशी और परेश रावल
और विद्या बालन, असरानी सब इसी जगह सगे इसी जगह से आते हैं पूजा करके। आप देख सकते हो ये वही पेड़ है, इसी जगह से आते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।